भावशिल्प क्रिएशन में मैं ज्योति कुलकर्णी आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम मटर की रेसिपी देखने जा रहे हैं। मटर का रेसिपी का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आने वाला है। वो रेसिपी है मटर की गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हम लोग ऊपर का जो कवरिंग करने जा रहे हैं वो उसके लिए हम लोग सिर्फ गेहूँ का आटा और चने का जो आटा रहता है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैदा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैदा खाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डाइजेशन में भी हम लोगों को दिक्कत होती है। इसके लिए मैंने मैदे में थोड़ा अल्टरनेटिव कुछ बदल लाया है, तो आप देखना, उसे ज़रूर पसंद करना। और मेरे कोई डाइट कॉशियस फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए डीप फ्राई की हुई गुजिया खाने के लिए उनको प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए भी मैंने एक अल्टरनेटिव यहाँ पे रेसिपी बनाई है। आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना होगा, आप ज़रूर देखना। गुजिया बनाने के लिए हम लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है वो भी हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने मटर लिया है, करीबन 300 ग्राम मटर है ये। बाद में ये ग्रेटेड कोकोनट है। बाद में मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्ची ली थी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और करी लीव्स इसमें ऐड करके मिक्सर में पीसा है। ये धनिया पाउडर है, ये सौंफ पाउडर है। हम लोग ये जो सौंफ खाते हैं तो मैंने उसको पीस के पहले बूंदा है, बाद में मिक्सर में पीसा है उसको, तो उसकी ये पाउडर है। ये नमक है, ये जीरा पाउडर है, ये अजवाइन मैंने लिया है और ये फ्रेशली चॉप कोरिएंडर है। तो इन चीज़ों की हम लोगों को आवश्यकता है। इसके अलावा हम लोगों को तड़के का भी सामान लगेगा, तो वो तड़का देते वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। गुजिया बनाने के लिए हम लोगों को ऊपर का जो कवरिंग लगने वाला है वो किससे बनाएंगे उसकी चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। ये गेहूं का आटा है, करीबन 1/2 किलो है, 250 ग्राम्स है। ये 100 ग्राम चने का आटा है। बाद में हम लोग इसमें थोड़ा 2 टेबलस्पून गरम करके तेल डालने वाले हैं और ये 2 या 3 टेबलस्पून रवा है या सूजी है। सबसे पहले हम लोग ये एक बर्तन लेंगे, उसमें ये गेहूं का आटा पहले डालते हैं। बाद में ये चने का आटा है, ये अपना सूजी है और स्वादानुसार नमक डालना है और इसके ऊपर हम लोग गरम ऑयल डालने वाले हैं। हम लोगों ने गरम ऑयल डाला है, अभी हम लोग अच्छी तरह से उसको मिक्स करके लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। और हम लोगों ने जो अजवाइन लिया है, अजवाइन वो मैंने सेक के लिया है, फ्राई करके लिया है, तो इसके लिए उसको मसलने के कुछ ज़रूरत नहीं है। इसका एक टाइट डव बना के लेंगे, अच्छी तरह से उसको भून लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आटा बुनने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों को पानी की आवश्यकता होगी वैसे ही हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका एक टाइट आटा बुन लेते हैं। ये आटा बुन के हम लोगों ने 1/2 घंटा तक बाजू में रखा था, तो इसमें जो रवा डाला है वो भी अच्छी तरह से भी फूल गया होगा। अभी इसमें से थोड़ा आटा निकाल के हम लोग उसकी लोइयाँ यानी पेढ़ा जैसा जैसे बना के लेंगे और उसकी पूरी बेलेंगे। सबसे पहले हम लोग गैस के ऊपर एक पैन रखते हैं। पैन में हम लोग 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं ऑयल गर्म होने के बाद हम लोग उसको इसमें तड़का देने वाले हैं। राई अच्छी तरह से रोस्ट हुई है, अभी इसमें हम लोग मिर्ची और अदरक का जो मिक्सचर बनाया था वो मैंने यहाँ पे मिक्स किया है।
इसके ऊपर पाव चम्मच हम लोग हींग डालने वाले हैं। पाव चम्मच हल्दी पाउडर है, यह हम लोग डालेंगे और अच्छी तरह से भून लेते हैं। यह हम लोगों ने सब मसाला जो है वह भून लिया है। अभी इसके बाद हम लोग इसमें ये जो अपना मटर है वो डाल रहे हैं। बाद में ये ग्रेटेड कोकोनट जो है वो डाल रहे हैं। सौंफ पाउडर जो है वो भी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। सब जो हमारी चीज़ें हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं। ये धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है और ये फ्रेशली चॉप जो है वो धनिया है। और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक डाल रहे हैं। स्वादानुसार नमक डालना है। बाद में ये पूरे हम लोग इसको भूनते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता है, सॉफ्ट नहीं होता है, तब तक हम लोग उसको भून देंगे। मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है क्योंकि मटर को खुद का एक मीठापन रहता है, इसके लिए मैंने शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। 1/2 बाउल मैंने पानी लिया है, वो अभी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। क्योंकि मैंने ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से पकने देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने मिक्सर में पीस के लिया है और थोड़ा सा दरदरा ऐसा पीसा है। पूरा फाइन पाउडर नहीं करना है। कोई लोग ये पूरा अपना जो मिक्सर है पहले ही मिक्सर में निकाल लेते हैं और उसको ग्राइंड करके लेते हैं तो उससे टेस्ट अलग आता है और ये पूरा मटर खाने की जो मज़ा है वो अलग है। इसलिए मैंने पूरा मटर क्रश नहीं किया है, वो ऐसे ही रहने दिया है। अभी हम लोग ये जो है ये पूरा ये मेन मिक्सचर में हम लोग ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये पीसा हुआ भी मटर डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा धनिया जो है वो डालेंगे ताकि उसका स्मेल अच्छा आए। अभी हम लोग ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा ठंडा होने तक रुकते हैं। ठंडा होने के बाद गुजिया करेंगे। ढक्कन निकालते ही मस्त उसकी खुशबू आ रही है। इसमें हम लोगों ने सौंफ पाउडर हरा धनिया ये सब डाला है तो इसकी वजह से उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी तरह से आ रही है। ये आटे को हम लोग अच्छी तरह से मसल लेते हैं, उसका एक रोल बनाते हैं और छोटी छोटी इसकी लोइयां बना लेते हैं। इस प्रकार मैंने ये सब लोइयां तैयार कर ली है। अभी हम लोग थोड़ा सा गेहूं का आटा यहाँ पे डालेंगे और ये लोई यहाँ पे रख के हम लोग उसकी पूरी बेल लेते हैं। पूरी ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की हम लोगों को पूरी बेलनी है। आप लोग देख सकते हो ये इतनी पूरी हम लोगों को ये साइज़ की बेलनी है। पहले मैं सब ये पूरी बेल लेती हूँ और बाद में हम लोग उसका स्टफिंग भरेंगे। गुजिया के अंदर स्टफिंग भरने के लिए हम लोग ये जो पूरी है ये हाथ में ऐसे पकड़ेंगे, उसको यहाँ पे बराबर बीचों बीच हम लोग एक पिंच लेते हैं और ये क्लोज करते हैं। बाद में इसमें हम लोग जो स्टफिंग है वो स्टफिंग भरते हैं। करीबन 1 या 1.5 चम्मच तक हम लोग ये स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग कितना भरना है ये हमारा पूरी का आकार कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून तो स्टफिंग डाला है। बाद में हम लोग ये गुजिया यहाँ पे रखेंगे और अपनी तरफ इसको खींचेंगे। ये ऐसे रख के अपनी तरफ खींचेंगे, अच्छी तरह से टाइट फिल करना है हम लोगों को। अभी हम लोग फोर्क के सहायता से हम लोग इसके ऊपर
छोटा सा डिज़ाइन बना लेते हैं, या आपके पास शंकरपाली काटने की जो रहता है उससे भी आप लोग कर सकते हैं, मगर ये इसका शेप अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये इस प्रकार से तैयार किया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा डिज़ाइन हुआ है और स्टफिंग भी बहुत टाइट से अच्छा हुआ है। कभी कभी ये जो गुजिया है ये हम लोग डीप फ्राई करते हैं ना, तो बहुत जन लोगों को डीप फ्राई अच्छा नहीं लगता है, तो शैलो फ्राई या कम ऑयल में अगर फ्राई हो जाता है तो सबको पसंद आता है। इसके लिए मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। ये मैंने दो लोइयाँ ली थी, उसमें से एक लोइए की मैंने ये छोटी साइज़ की पूरी बनाई है। थोड़ा सा देखो अब उसका साइज है, वो थोड़ा जाड़ा है। अब ये दूसरी भी मैं बेल लेती हूँ और इसके अंदर हम लोग स्टफिंग डालेंगे। इससे हम लोगों को ऑयल जो है वो कम लगता है। ये थोड़ा छोटा साइज़ का है और ये इससे थोड़ा बड़ा साइज़ का मैंने बताया है। ओके, अभी इसके अंदर हम लोग बड़ा साइज़ का जो है वो हाथ में लेते हैं, या यहाँ पे रखा तो भी चलेगा, और हम लोग यहाँ पे स्टफिंग डालते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चम्मच स्टफिंग डाल रहे हैं और भी थोड़ा आधा चम्मच डाला तो भी चलेगा, ये है। और ये हमारा जो दूसरा पूरी है इसके ऊपर हम लोग रख के सब जगह से हम लोग उसको अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं। ओके, अच्छी तरह से पैक करने के बाद एक्सेस पार्ट जो है ना वो हम लोग चाकू से काट लेते हैं। अभी हम लोग ये एक्सेस पार्ट निकाल लेते हैं। ओके, बाद में ये जो पूरी हम लोगों ने तैयार की है स्टफिंग ये उठा लेंगे और हाथ से हम लोग इसको एजेस जो है ना इसको हम लोग मोड़ के ऐसे फोल्ड करके लेंगे। ये पूरी पूरा राउंड हम लोगों को ये ऐसे फोल्ड करना है। बाद में नीचे रख के हम लोग उसको अच्छी तरह से दबा लेंगे। इस प्रकार के और दो तीन मैं बना लेती हूँ और फ्राई पैन में हम लोग कैसे सेकेंगे वो भी बताती हूँ। इस प्रकार मैंने ये सब गुजिया बना ली है। ये यहाँ पे भी थोड़े हैं और हम लोगों ने गुजिया को डाइट कॉशस ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का इसको शेप दिया है, ये जो कम तेल में हम लोग फ्राई करने वाले हैं। तो इस प्रकार मेरी ये गुजिया तैयार हो गई है। अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई में तेल रखा है, धीमी आंच के ऊपर उसको मैं गरम करके ले रही हूँ। और ये अच्छा सा तेल गरम हुआ है या नहीं देखने के लिए मैंने एक छोटा सा पार्ट डाला है इसमें आटे का, तो ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अभी हम लोग इसमें गुजिया डालते हैं और उसको डीप फ्राई करके लेते हैं। फ्राई करते वक्त थोड़ा सा तेल इसके ऊपर आपको छिड़कना है ताकि ऊपर से भी ये अच्छे से पक जाए। बाद में उसको फ्लिप करके फ्राई करना है। थोड़ा सा हम लोग उसको रेडिश कलर आने तक उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करते वक्त आपको गैस मीडियम आंच पे रखना है। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से सुनहरे रंग की हो गई है, पक गई है, अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई है। अभी हम लोग उसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैंने एक छाननी ली है, उसमें मैंने टिश्यू पेपर डाले हैं और इसके ऊपर हम लोग रखेंगे ताकि उसमें जो एक्सेस ऑयल है वो निकल आए। इस प्रकार मैं ये सब गुजिया यहाँ पे फ्राई करके लेती हूँ। इस प्रकार मैंने ये सब गुजिया सुनहरे रंग पे फ्राई करके ली है। मैंने जो आपको ये सब मेजरमेंट बताया है इसमें करीबन 15 से 20 गुजिया बन जाते हैं।
अभी हम लोग दूसरा फॉर्म वाला जो मैंने गुजिया का किया है ये कैसे फ्राई करते हैं देखते हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत कम तेल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच लिया है, ये हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं ऑयल, और हम लोग अभी उसको अच्छी तरह से सेक लेते हैं। फ्लिप करके मैंने दूसरी साइड जो है वो भी सेकना चालू किया है। इसके लिए और थोड़ा सा हम लोग आधा चम्मच ऑयल डालते हैं। हम लोगों को ऑयल का इस्तेमाल इसमें बहुत कम करना है। जो कम तेल पसंद करते हैं उनके लिए ये खास मैं बता रही हूँ, ताकि उनको भी ये टेस्ट मिल पाए और वो भी एंजॉय कर सके। ऐसे दबा दबा के मैं सब जगह से उसको फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा बाकी है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा हम लोग फ्लिप करके ये साइड ज़्यादा रोस्ट करके लेते हैं। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो नीचे वाला जो अपना डिज़ाइन बनाया है वो कट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग बाकी के जो गुजिया है ये फॉर्म में, ये भी हम लोग अभी फ्राई करके लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग कम ही ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं। नहीं है गुजिया का दूसरा फॉर्म जो है वो भी यहाँ पे तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सा सेक गया है। इसको ऑयल बहुत ही कम लगता है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस जो है वो डाल रही हूँ। सॉस के साथ आप लोग ये खा सकते हैं। इस प्रकार हमारी ये गुजिया तैयार है। मेरी ये सब गुजिया तैयार हुई है। आप लोग इसको ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, या अपना जो टोमेटो सॉस है उसके साथ भी हम लोग खा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, आप डेफिनेटली ट्राई करके देखना। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका स्टफिंग कैसे है। यहाँ पे ये इसको मैं थोड़ा सा काट रही हूँ, तोड़ रही हूँ। ये देखो ये हमारा स्टफिंग है, और यही स्टफिंग को हम लोग लेके इसके साथ खा सकते हैं।